स्टूडेंट्स, हमारा एक बेसिक टॉपिक है। स्टूडेंट्स जो हैं उनके मोस्टली क्वेश्चन होते हैं कि मैडम हमारा जो टेस्ट होता है तो उसके लिए आप हमें बताएं कि वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है कि जी आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो इतनी होनी चाहिए और आपके जो लिखने का तरीका ऐसे होना चाहिए और आपको कुछ रूल्स भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए जो है वो उनकी एक पुरजोश फरमाइश पे ही आप समझ रहे हैं कि हमने एक वीडियो बनाई है। इसके अंदर आपको थोड़ा सा ये जो गाइड करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हम, कि अगर आप इन तमाम असूलों को और तमाम प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने जो है ये एक कीबोर्ड की तस्वीर आपको व्यू हो रही होगी। तो हमारे सामने इसके कुछ नेम है जो मैं आपको बता देती हूँ, और यहाँ से अगर आप देखें तो आपको ज्यादा अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा। हमारे पास जो एक कीबोर्ड आपके सामने आ रहा है, यहाँ पे ये कवर्टी कीबोर्ड कहलाता है। कवर्टी कवर्टी कीबोर्ड क्यों कहलाता है? क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे QWERTY, यहाँ पे ये कवर्टी कीबोर्ड है। यहाँ पे इसके कुछ नेम जो है वो मेंशन है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ये जो जितनी भी F1 F2 वाली कीज आ रही होती है, ये सारी आपके पास जो है ये फंक्शनल कीज कहलाती है, फंक्शनल कीज कहलाती है। इसके अलावा आपके पास जो है राउंड अबाउट 104 कीज होती है आपके कीबोर्ड के ऊपर, और वन बाय वन इंशाल्लाह हम हर की का यहाँ पे पर्पस भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि टाइपिंग करने के लिए हमें किन असूलों को, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। यहाँ आपके पास जो है ये कीबोर्ड, ये रिस्ट पैड है आपके पास जी, एरो कीज है आपके पास, ये की पैड है आपके पास। इसके अलावा यहाँ पे ये न्यूमेरिक पैड है आप लोगों के पास। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको जो एक रो नजर आ रही होगी, इस रो को हम कहते हैं ESTF रो। ये वाली जो रो होती है हमारे पास, ये वाली रो आपकी होम रो कहलाती है, ये आपकी होम रो कहलाती है। और ये वाली जो है ये आपकी टॉप रो है या आपकी बॉटम रो है, इसको हम टॉप रो भी कहते हैं, हम इसको अपर रो भी कहते हैं। यहाँ पे आपके पास ये 1 2 3 यहाँ पे ये चीजें शो हो रही हैं। अगर आप दूसरे वाले की बोर्ड पर देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है ये इन 1 2 3 के ऊपर जो है हमारे पास डिफरेंट किस्म के स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ रहे होते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो भी देखेंगे कि अगर हम लोगों ने उनको यूज करना हो तो उसका क्या तरीका है। सबसे पहले ये है कि आपने अपनी जो फिंगर्स हैं वो आपने हमेशा अपनी होम रो के ऊपर रखनी है। होम रो यहाँ पे अगर आप देखें तो डिफरेंट किस्म के कलर जो है वो मेंशन किए गए हैं, वो आप लोगों को ये बताने के लिए दिए गए हैं कि अगर आपका राइट हैंड है तो आपने अपने राइट हैंड को कहाँ से स्टार्ट करनी है। आपकी ये जो लिटल फिंगर होती है, ये लिटल फिंगर आपकी स्टार्ट होती है सेमी कॉलन से। जहाँ पे मेरे पास ये कर्सर मूव होता हुआ आप लोग देख रहे हैं तो ये लिटल फिंगर है आपकी, ये सेमी कॉलन कॉलन साइन पे आती है। आप लोगों के पास ये जो रिंग फिंगर है ये आपकी एल पे आती है, और आपकी मिडल फिंगर जो है ये आपकी के पे आती है, और आपकी इंडेक्स फिंगर जो है ये आपकी जे पे आती है। तो जो कलर आपका फिंगर के ऊपर मेंशन किया गया है वही कलर आपकी यहाँ पे कीज के ऊपर भी मेंशन किया गया है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही उनको यूज करना है। अगर अब हम इस टर्म जो है वो लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करें तो लेफ्ट हैंड में देखें इस फिंगर का, जिसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पे ये कलर, इसका मतलब है कि इस फिंगर से आपने ये सारी कीज जो है इनको यूज करना है। ये सारी कीज आपके जो हैंडल की जाएंगी वो आपकी ये वाली फिंगर इंडेक्स फिंगर से यूज की जाएंगे। यहाँ पे ये ग्रीन कलर अगर आपको शो हो रहा है तो ये ग्रीन कलर से, ये वाला जो कलर है इसका मतलब है कि यहाँ पे आप लोगों ने ये वाली जो जितनी भी कीज है वो आपने इस कलर, इस फिंगर के साथ जो है वो हैंडल करनी है। सेम लाइक दिस, ये वाला कलर है आपके पास, तो आप इस फिंगर से ये जो आपके रिंग फिंगर है इसे आप लोग जो है वो ये वाली चीज कीज जो है वो मेंशन हैंडल करेंगे, और स्मॉल फिंगर जिसको लिटिल फिंगर भी कहते हैं और पिंकी भी कहते हैं उसको आप इस तरह से यूज करेंगे। तो फिलहाल जो है वो यहाँ पे आपके पास जो है फिंगर्स को कीबोर्ड के ऊपर किस रो के ऊपर रखना है और उनको कैसे डील करना है, इसको इस पिक्चर से जो है वो आपको ये चीजें शो करवाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे आप ये देखें ये कीबोर्ड आपका प्रैक्टिस कीबोर्ड है, यहाँ पे आपके हैंड के ऊपर भी ये चीजें बता दी गई हैं, ये वही कलर्स वगैरह उसी स्कीम से ही आपको बताया है, सिर्फ कलर डिफरेंस है यहाँ पे, बाकी सारी चीजें जो वैसे मेंशन है। और यहाँ पे आपके जो स्मॉल है ए से स्टार्ट होगी, या आपकी एस से स्टार्ट होगी, या आपकी डी से स्टार्ट, और ये जो फिंगर है आपकी ये एफ को हैंडल करेगी। अब आपके ये जो दो थंब है, ये दो थंब जो हमारे पास यहाँ पे ये स्पेस बार आप देखें, ये स्पेस बार है, ये जो बड़ी बार है इसके ऊपर आपके ये जो दोनों थंब है ये यहाँ पे आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कुछ फिंगर्स के नेम भी पता होने चाहिए। यहाँ पे हमारे पास ये आपका थंब है, और यहाँ पे ये इंडेक्स फिंगर कहलाती है, या आपकी मिडल फिंगर कहलाती है, या आपकी रिंग फिंगर कहलाती है, और इसको लिटल भी कहते हैं और लिटल फिंगर कहते हैं। ये आपके पास थंब है, या आपकी इंडेक्स फिंगर है, या आपकी मिडल फिंगर है, या आपके पास जो है रिंग फिंगर है, और ये आपके पास लिटल फिंगर। ये आप लोगों के पास जी ESTF, ये लेटर आपके ये लेफ्ट हैंड की बनाया गया है कि इस फिंगर से आपने किन कैरेक्टर्स को, किन कीज को जो डील करना है, जो ऊपर आपको पिक्चर्स में हमने मेंशन किया था वो आप लोग अगर यहाँ से भी देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि
स्पेस बार को ये राइट हैंड है आपका, और ये राइट हैंड जो है वो आपका इन तरह से इन फिंगर्स के साथ जो है वो इस तरह से मूव किया जाएगा। तो अब आपको थोड़ा सा तरीका समझ में आ गया होगा कि आप लोगों ने क्या काम करना है। मोन रो से आपने स्टार्ट करना है और उसी तरह से जिन कलर्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है उन्हीं कलर्स के जरिए आपने इन फिंगर्स को प्रैक्टिस करते जाना है। स्टूडेंट्स आप लोगों को एक दफा में ही ये काम करना है कि थोड़ी सी शुरू शुरू में आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो हो सकता है आपकी हैंड जो है वो भी पेन करें, लेकिन आपको जितना आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें लर्न करेंगे। और कुछ प्रिंसिपल्स हैं आपकी टाइपिंग करने के जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे इन पिक्चर्स के जरिए जो है वो हम आपको थोड़ा सा शो करवाने की कोशिश करें कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये हैंड जो है आप लोगों के की बोर्ड के पलटने की अच्छी पोजिशन नहीं है, ये आपकी रॉन्ग पोजिशन है। आप लोगों ने अपने की बोर्ड अपने हैंड्स को रखना नहीं है बल्कि उसको स्टैंडिंग फॉर्म में रखना है। स्टैंडिंग फॉर्म में आपने उसको रखना है। सेकंड वन ये है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको थोड़ा आइडिया नहीं होता और वो जिस भी पोजीशन में बैठे होते हैं उसी पोजीशन में ही वो अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ जो है करेक्ट और रॉन्ग पोस्चर जो है वो आपको बताए गए हैं कि किस तरह से आपने सिटिंग करनी है। आपने सबसे पहले जो है वो आपने इस फॉर्म में बैठना है कि आप लोगों की जो बैक साइड है वो आपकी चेयर के साथ अटैच ना हो, आप लोगों के फिंगर्स जो हैं आप लोगों का जो हैंड है वो उसके ऊपर बिल्कुल लेइंग फॉर्म में ना हो बल्कि स्टैंडिंग फॉर्म में हो, और आपने बिल्कुल अपना पोस्चर जो है इस तरह से बनाकर रखना है क्योंकि ये करेक्ट पोस्चर है आप लोगों के पास। अगर आप झुके हुए बैठते हैं आपकी गर्दन जो है वो झुकी हुई होती है, आपकी कमर जो है वो झुकी हुई होती है और आपकी एल्बोज जो है यहाँ पे वो झुकी हुई होती है, तो ये आप लोगों की रॉन्ग पोजिशन है। इससे आप लोग जल्दी थक जाएंगे और आपकी पेन जो है वो नेक वगैरह में या आपकी बैक साइड जो है वो पेन वगैरह भी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोग इस पोस्चर में ये मेंशन देख सकते हैं जिस तरह से आपको बताया गया कि ये बैठने का बिल्कुल ठीक तरीका नहीं है। आप लोगों ने जब भी बैठना है और टाइपिंग करनी है तो टाइपिंग करते वक्त आप इस बात का ख्याल रखना है कि आपने अपनी आईज जो है वो अपनी एलसीडी पर रखनी है और आपने सामने एलसीडी की तरफ देखना है और आपने जुबानी जो है वो टाइपिंग करनी है। लेकिन क्योंकि जब आप स्टार्ट करेंगे तो शुरू शुरू में आप लोगों को जुबानी भी कोई चीज नहीं आएगी, आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, बल्कि जितना आप उसको टाइपिंग की जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के लिए उतना ही अच्छा है। और जितनी आप लोग उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के पास वो तमाम चीजें ऑटोमेटिकली आपके जो फिंगर्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही मूव करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे ये देखें ये पोजीशन जो है बैठने की ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये वाली जो पोजीशन है बैठने की ये बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ की कलर से भी मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पे ये जो आप लोगों को इंडिकेट कर दिया गया है यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट जब भी आप लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस करें तो आप लोग हमेशा इस बात का जरूर ख्याल रखें कि आप लोगों ने जो टाइपिंग करनी है उसको पहले आप देख देख के प्रैक्टिस करें। जब आपको लगता है कि अब आप लोग इस काबिल हो गए कि आप लोगों को चीज़ अच्छे से समझ आना शुरू हो गई है तो फिर आप लोग जो है उसको जुबानी करना शुरू करते हैं। और इसको आपने ये नहीं करना कि एक दिन कर लिया फिर दो दिन का गैप, चार दिन का गैप, पाँच दिन का गैप, या जब कभी आपका टेस्ट जो है वो आप लोगों को अगर देना है तो उसमें आपने फिर फौरन से प्रैक्टिस शुरू कर दी, क्योंकि एक दिन की ये प्रैक्टिस नहीं है। जब भी आप लोग टाइपिंग करें तो इस बात का मैक्सिमम ख्याल रखें कि बैक स्पेस का बटन जो है वो कम से कम यूज करें, क्योंकि जब आप लोग टाइपिंग करने के लिए जाते हैं और आप लोगों को जो भी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट होना है वहाँ पे इन चीज़ों को फोकस किया जाता है कि आप लोगों ने यहाँ पे कितनी जो है वो कितने टाइम के अंदर कितने कैरेक्टर्स वगैरह लिखे हैं, आप लोगों के पास राउंड अबाउट वॉइस के लिए जो है वो कम अज कम 45% जो है वर्ड्स पर मिनट WPM 55 वर्ड्स होते हैं पर मिनट जो है वो वहाँ पे टाइप करना बहुत जरूरी है। लेकिन फीमेल्स के लिए जो है वो थोड़ी सी टाइपिंग स्पीड कम ही रखी जाती है। जब आप लोग टेस्ट दे रहे होंगे तो उस वक्त आपको ये नोट किया जाएगा कि आप लोग किस तरह से टाइप कर रहे हैं, मीन्स कि आप लोगों की फिंगर्स को रखने का स्टाइल क्या है, आप लोग बार बार क्या अपने कीबोर्ड की तरफ देख रहे हैं, आप लोगों की आई साइड जो है आप बिल्कुल टोटली आप जो है वो LCD की तरफ देख रहे हैं, और बैक स्पेस का बटन आपने कितनी दफा प्रेस किया है। जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह यूज किए जाएंगे अभी डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन पे, तो वहाँ पे ये सारी चीजें जो है वो काउंट होती हैं। अगर आप इस तरह ही प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये आपके नेगेटिव मार्किंग में आती है और बैक स्पेस करने से भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आप लोग अगर अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं और जब आपको कीबोर्ड का यूज भी पता चल जाता है तो आप ये वाला जो सेंटेंस है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, आप लोगों ने यहाँ पे जो है इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर आप लोगों के 26 अल्फाबेट्स जो है वो कवर होते हैं। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी कीबोर्ड के ऊपर जितनी भी आपकी कीज बनी हुई है वो सारी आपके पास यूज में आएंगी, आपके जो फिंगर्स हैं वो भी प्रॉपरली इन कीज के ऊपर मूव करेंगी और आप उनको बहुत अच्छे से हैंडल करना जो है वो जान जाएंगे। स्टूडेंट्स आप लोग जब भी टाइपिंग करें तो हम लोगों ने नोटिस किया कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कीज को बहुत जोर जोर से प्रेस कर रहे होते हैं,
एक तो उससे जो साथ वाला बंदा होता है वो भी जो आपके साथ बैठा हुआ है वो डिस्टर्ब होगा, ये नॉइस क्रिएट होती है और डिस्टर्बेंस और पता है कि बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करनी चाहिए किसी के लिए भी। और सेकंड वन ये है कि आपने बहुत जोर जोर से कीज प्रेस करेंगे तो आपका कीबोर्ड भी खराब हो जाएगा, तो आपने बहुत सॉफ्टली जो है इन चीज़ों को हैंडल करना है, बिल्कुल रिलैक्स होके और बिल्कुल भी अंडर प्रेशर आपको नहीं होना। एक दिन में आप लोगों की ये प्रैक्टिस नहीं होगी ना आपकी ये एक हफ्ते में होगी, इसमें इतने दिनों में तो जस्ट आप इसको नो हैंडल करते हैं कि किस तरह से आपने इन चीज़ों को हैंडल करना है। यहाँ पे हमारे पास जो है आप डिफरेंट किस्म के यहाँ पे कीज देख रहे हैं, यहाँ पे ये आपके पास 1 2 3 न्यूमेरिक कीज है आप लोगों के पास, या आपके पास प्लस और इक्वल टू की यूज की जाती है, ये माइनस और डैश की है। अगर आपने प्लस का यूज करना है तो उसके लिए आपको शिफ्ट का बटन दबाना पड़ेगा, और अगर आप सिंपल इक्वल टू यूज करना चाहते हैं तो जस्ट इक्वल टू की जो है वो आप प्रेस कर सकते हैं। यहाँ आपके पास ये सारे अल्फाबेट्स वगैरह लिखे हुए हैं, इसके अलावा ये टैब की है, अगर आप स्पेस से मूव करते हैं आगे तो 1 2 3 4 टाइम मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ही दफा में जो है वो ज्यादा टाइम मूव करना चाहते हैं तो आप टैब की प्रेस कर लें। आपकी डिपेंड करता है कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो है वो टैब की कितनी स्पेसेस मेंशन की हुई है। बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास ये 5 स्पेसेस को हम लोग जो है वो जंप कर लेते हैं तो ये टैब में आ जाता है। अगर आप अपने पास अल्फाबेट्स जो है अल्फाबेट्स कैपिटल में लिखना चाहते हैं तो यहाँ से ये कैप्स लॉक की है आपके पास, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको ऑन कर देंगे तो आपके न्यूमेरिक पैड के ऊपर जो है वो यहाँ पे न्यूमेरिक पैड के ऊपर यहाँ पे आपके पास जो कीज बनी हुई है इसके ऊपर एक लाइट ऑन हो जाएगी। यहाँ पे जब लाइट ऑन हो जाएगी तो फिर आप समझ जाएंगे कि इस टाइम आपकी जो कैप्स लॉक की है वो ऑन है। आप दोबारा इसी कैप्स लॉक की को ऑफ करेंगे तो यहाँ से आपकी लाइट भी ऑफ हो जाएगी। स्टूडेंट्स न्यूमेरिक पैड को अगर आपने यूज करना हो और ये अगर आपके वर्किंग में नहीं आ रहा होता तो यहाँ पे नम लॉक की हमारे पास एक की बनी हुई है, आप इस की के ऊपर एक दफा क्लिक कर दें और एंटर कर दें, प्रेस कर दें, तो जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास जो ये की है अब ये न्यूमेरिक पैड आपका वर्किंग में आ जाएगा। और जब आप इसको यूज नहीं करना चाहते तो आप बेशक यहाँ पे इसको दोबारा प्रेस कर सकते हैं, दोबारा ये जो है वो आपका ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों के पास शिफ्ट है, आप शिफ्ट के साथ भी अगर कोई कैरेक्टर प्रेस करना चाहते हैं, जो बिगनर्स होते हैं हमारे पास वो तो कैप्स लॉक के साथ ही अल्फाबेट्स अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं, अदरवाइज आप शिफ्ट पे की प्रेस करें। आप कैपिटल ए लिखना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ आप ए जो है वो प्रेस करेंगे तो ये कैपिटल में लिखा जाएगा। इसके अलावा हमारे पास ये शिफ्ट की और भी बहुत से फंक्शन है, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो फंक्शनल कीज पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये जो जितनी भी कीज आ रही है ये सारी फंक्शनल कीज हैं, इन फंक्शनल कीज के बारे में इंशाल्लाह आपको इनकी प्रॉपर वर्किंग के बारे में बताया जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट आर के आप किस तरह इन चीजों को फंक्शनल कीज के साथ जो है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ आपके पास एफ एन की नजर आ रही होगी, ये एफ एन की जो होती है आप लोगों के पास मोस्टली जो है ये आपके लैपटॉप वगैरह में होती है, तो ये फंक्शन की है आपकी, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कोई भी की यूज करना चाह रहे हैं तो उसके साथ उसका पर्पज जो है वो अटैच होता है और आप उसको यूज कर सकते हैं। कंट्रोल की आप यूज कर सकते हैं, आपके पास आल्ट की आ रही है, इसके अलावा यहाँ पे आपके पास स्पेस बार है, यहाँ पे फिर आप लोगों के पास जो बहुत ही आपकी इजी वर्क बनाने के लिए यहाँ पे अलग से कंट्रोल शिफ्ट वगैरह की जो है दी गई है, एंटर की है आप अपनी नेक्स्ट लाइन पे मूव करना चाहते हैं आप एंटर की प्रेस कर लें, सेमी कॉलन करना चाहते हैं अगर आप लोग तो इस बटन के लिए, यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे ऊपर कॉलन साइन है नीचे आपके पास ये सेमी कॉलन नजर आ रहा होगा, यहाँ आपके पास इन्वर्टेड कॉमास है आप कोमा लगा सकते हैं, फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं आप लोग कोमा लगा सकते हैं, इसके अलावा अगर आपने अपोस्ट्रोफी का साइन लगाना है तो वो भी आप इस की के जरिए लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क है आपने डिवाइड करने के लिए यूज करना है तो ये वाली की यूज करेंगे, तो अगर आप ये क्वेश्चन मार्क लगाना चाहें तो आप शिफ्ट के साथ इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अभी एक करके दिखाते हैं आपको, अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है तो यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ लगाऊंगी, अगर मैं इसी बटन को दोबारा यूज करती हूँ और यहाँ पे ये देखिए मेरे पास डिक का साइन जो है वो आ जाएगा, जो आप डिवाइड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने इसी बटन को प्रेस करना है तो अगर आप इसी के ऊपर प्लस का साइन लेना चाहते हैं तो आप इसको शिफ्ट के साथ जो है वो प्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप लोगों के पास ये वाला पैड भी बना हुआ है कीबोर्ड के ऊपर, वो भी इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो क्लियरली डिफाइन करेंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों के पास ये एरो कीज हैं, इसकी यहाँ पे आपको मेंशन भी किया हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं ये आपका एरो पैड है, आप लोग इसके मदद से भी आगे पीछे जो है मूव कर सकते हैं लाइन में भी बिटवीन लाइन में भी, और डिलीट के ऑप्शन है आपके पास आप डिलीट भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी करेक्टर अपने राइट साइड से डिलीट करना होता है तो आप डिलीट की यूज करते हैं, अगर आप लोगों ने लेफ्ट साइड से करेक्टर डिलीट करना है तो फिर आप यहाँ पे स्पेस की जो है वो आप लोग यूज करते हैं, और यहाँ पे ये आपके पास ये बैक स्पेस का ये वाला बटन बना हुआ है, ये एंटर का बटन बना हुआ है, और इन
इंशाल्लाह फर्दर जो आपका लेक्चर होगा उसके अंदर भी हम आपको डिटेल्स के साथ बताएंगे कि आप किस तरह की स्किल को जो है वो मजीद अच्छे से यूज भी कर सकते हैं। तो आपने अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस आप लोग बहुत डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं मार्केट में, आप वहाँ उनको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन जो है आप गूगल के ऊपर जाकर भी अपनी टाइपिंग राइटर के हवाले से कोई भी मैंशन करेंगे तो वहाँ पर भी आपके पास ढेर सारे सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद उसके लिए बहुत अच्छा बेस्ट ये है कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर या तो नोट पैड ओपन कर दें और वहाँ पर जो है वो आप लिखना शुरू कर दें, और टाइम पे आप नोट कर लें और देखें कि आपने कितने वर्ड जो है वो कितने मिनट्स में मेंशन किए हैं। इसके अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे आप लोग लिखना शुरू करें। यहाँ पे जो स्टेटस बार है, इस स्टेटस बार में आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि इस टाइम आप लोगों ने कितने वर्ड्स लिखे हैं, लेकिन आप लोग अपना टाइम जो है वो वहाँ पे साथ में जरूर नोट डाउन करें, और ये जरूर देखें कि आप लोगों की जो है कितने टाइम पीरियड के अंदर, और इसको वक्तन परिवर्तन बढ़ाते रहें। वक्तन अगर आपने 10 मिनट के अंदर अपने एक मार्जिन बना लें, अपना एक टारगेट सेट कर लें कि 5 मिनट में आपने देखें कितना लिखा है, फिर उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं, फिर 10 मिनट्स में करें, फिर 15 मिनट्स में करें, 20 मिनट्स में करें, लेकिन वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली बात है। आप लोग इसको जितना अच्छे से करते जाएंगे उतना ही आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, लेकिन इसमें आप कोशिश करें कि गैप ना आए। अगर तो इसमें गैप आ जाता है और आप एक दिन करते हैं, फिर 10 दिन नहीं करते, 5 दिन नहीं करते, फिर करना शुरू करते हैं, तो आपके ऊपर जीरो लेवल पे आ जाएंगे। तो आप लोगों के पास टाइपिंग स्पीड, स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये करते हैं कि यहाँ पे टाइपिंग स्पीड जो है वो भी क्यों नहीं चल रही है। आप लोग स्टूडेंट्स कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखें, अगर आप लोगों के पास वहाँ पे टाइपिंग की बात की गई है तो वहाँ पे कंपल्सरी कर दिया गया है कि इतने वर्ड्स पर मिनट आपके होने चाहिए, और आप लोगों को वो प्रैक्टिस से ही चीज़ें आती हैं। आप फीमेल्स के लिए भी अगर जॉब्स देखते हैं तो वहाँ पे भी उन्होंने टाइपिंग स्पीड जो है कंपल्सरी की होती है, और आप डिफरेंट किस्म की जो है वो वीडियोस भी देख सकते हैं कि किसमें लोग किस तरह से टाइपिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा आपकी टाइपिंग अच्छी होगी, जितनी आपकी स्पीड अच्छी होगी, उतने ही वर्ड्स पर मिनट जो है वो आप लोग लिख सकते हैं, और आप लोगों का डाटा जो है वो भी ही जल्दी जो है वो रिकवर भी हो जाता है, कवर हो जाता है, और आप बहुत अच्छे से अपना डाटा मैनेज भी कर लेते हैं। अगर आप समझते हैं कि इस चीज इसमें वीडियो में अगर आपको कोई बात क्लियर नहीं हुई है तो आप हमें ज़रूर अपनी सजेशंस दें, अपने फीडबैक दें, और मज़ीद अगर आपका इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है, कोई आपकी कंफ्यूजन है, तो आप ज़रूर जो है वो इन तमाम चीज़ों को हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है जी, अगर आप इसको किसी और के साथ भी शेयर करना चाहें तो बहुत वेलकम, आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं, और अल्लाह ताला आप सबके लिए और हमारे लिए आसानी पैदा फरमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है फर्दर इनकी डिटेल्स हैं हम वो भी आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला हम सबका हमें नसीब हो। अल्लाह हाफ़िज़।